आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था माइक्रोबायोलॉजी के पेपर के बारे में। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ नवंबर 2019, ये माइक्रोबायोलॉजी के पेपर के भी मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट था इसमें डिफाइन फॉलोइंग, सभी को डिफाइन करना था। इसमें ए वाले पोर्शन में बैक्टीरियल स्पोर के बारे में लिखना था, बैक्टीरिया के स्पोर के बारे में लिखना था, बैक्टीरिया बीजाणु के बारे में। बी वाला पोर्शन है एंटीजन, एंटीजन के बारे में लिखना है, एंटीजन बॉडी में जाके डिजीज क्रिएट करता है, फिर इसके खिलाफ बॉडी जो एक्शन करती है फिर क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीजन के बारे में यहाँ पर लिखना था। केवल अनएरोब्स के बारे में लिखना था, अनएरोब्स ऐसे जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उसके बाद डी वाले पोर्शन में डिस इन्फेक्शन के बारे में लिखना था। जो भी डिसइन्फेक्टेंट है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, किल करते हैं, या डिसइन्फेक्टेंट कहलाते हैं या डिसइन्फेक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडियम के बारे में लिखना था। ये एक स्पेशल मीडियम है जो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ओवर ग्रोथ को रोके रखता है और स्पेसिमन को प्रिजर्व करे रखता है लेबोरेटरी लैब इन्वेस्टिगेशन तक, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहलाता है। उसके बाद एफ वाला पोर्शन है आईजीएम के बारे में लिखना था, इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बारे में लिखना था, जो कि सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है और सबसे पहले जो बॉडी में अपीयर होती है वो भी आईजीएम ही है। उसके बाद डर्मेटोफाइट्स के बारे में लिखना था। डर्मेटोफाइट इन स्किन इन्फेक्शन कोज करते हैं, फंगस हैं जो स्किन इन्फेक्शन कोज करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन करते हैं, ये डर्मेटोफाइट्स के बारे में लिखना था, डिफाइन करना था इनको। उसके बाद एच वाला पोर्शन है वैक्सीन, वैक्सीन को डिफाइन करना था, वैक्सीन क्या होता है। क्वेश्चन सेकंड आता है इसमें डिस्कस ब्रीफली, ब्रीफली डिस्कस करना था, मतलब इसको थोड़ा बड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करना था। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में लिखना था, इसके टाइप्स के बारे में लिखना था, फर्स्ट सेकंड। और बी वाला पोर्शन है नोजोकोम्बियल इन्फेक्शन, इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसके बारे में कंप्लीट लिखना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इसमें पहला था बैक्टीरिया सेल वाल, बैक्टीरिया की सेल वाल के बारे में लिखना था, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी रहती हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में लिखना था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में लिखना था, इम्यूनिटी जो कि दो प्रकार की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में लिखना था, जो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कंप्लीट इसमें लिखना था। उसके बाद सी वाला पोर्शन है यूनिवर्सल प्रिक्यूशन के बारे में लिखना था, जैसे हैंड हाइजीन हुआ और पीपीई हुआ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हाइजीन सेफ्टी मेजर्स ये सारे यूनिवर्सल प्रिक्यूशन में आते हैं, इनके बारे में डी वाला पोर्शन था जूनोटिक इन्फेक्शन, इसमें जूनोटिक इन्फेक्शन के बारे में लिखना था, जैसे इबोला हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, तो इनके बारे में लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन फोर आता है डिस्कस ब्रीफली, तो ऑटोक्लेव के बारे में कंप्लीट इसमें ब्रीफली लिखना था, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, ऑटोक्लेव किस काम में आता है, ऑटोक्लेव में क्या क्या अपन स्टरलाइज कर सकते हैं। उसके बाद बी वाला पोर्शन था रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल, इन्फेक्शन कंट्रोल जो नर्स हैं वो जो टर्शरी लेवल के जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, जैसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल मतलब जहाँ पर टर्मिनल इल पेशेंट होते हैं उनकी केयर करती हैं उन, तो वहाँ पर नर्स का क्या रोल रहता है, वहाँ पर नर्स का रोल रहता है कंप्लीट सेफ्टी मेजर्स का यूज करें, पीपीई किट का यूज करें, तो ये वाले रोल लिखने थे इसमें। और क्वेश्चन फाइव जो था डिस्कस ब्रीफली, इसमें जील एंड नील्सन एसिड फर्स्ट स्टेनिंग के बारे में लिखना था, जो कि माइकोबैक्टीरियम के लिए करते हैं अपन, कंप्लीट इसकी प्रोसेस लिखनी थी। बी वाला पोर्शन है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व बनाना था और उसमें चारों फेज लिखनी थी, लेग लॉग स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, इसमें चारों फेज लिख के डिस्क्राइब करना था उसको। सी वाला जो है कैंडिडा एल्बिकेंस एक यीस्ट इन्फेक्शन है जो इंटेस्टाइन और माउथ के अंदर जनरली देखा जाता है, तो इसके बारे में लिखना था। इसके बाद डी वाला पोर्शन है एंथ्रेपोड वेक्टर इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो एंथ्रेपोड है वेक्टर हैं उनके बारे में लिखना था, जैसे डेंगू हुआ, येलो फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, इनके बारे में लिखना था। इसके बाद ई वाला पोर्शन है कोची पोस्टुलेट, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में लिखना था, कोच ने जो फोर क्राइटेरिया जो डिसाइड किए थे दिए थे उनके बारे में लिखना था। लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल
मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिटी एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ एक्रोस लुम्ब्रिकोइड्स, लुम्ब्रिकोइड्स जो एस्केरिस हैं उसके बारे में लिखना था। और ये मोस्ट कॉमन लार्ज राउंड वर्म है ह्यूमन का, ह्यूमन बॉडी का, तो इसके बारे में लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिटी, ये कैसे इन्फेक्शन करता है, और लैब डायग्नोसिस, इसके सारे लिखने थे। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर माइक्रोबायोलॉजी के पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।